एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गाँवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहाँ कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहाँ की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित मोहम्मदपुर खडुलिया गाँव पड़ा। लगभग 11,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव की प्रधान सुधा है। लगभग 9,000 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 110 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, खेल का मैदान, शमशान घाट, पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ब्लॉक सिंभावली, थाना सिंभावली, जनपद हापुड़ से ग्राम प्रधान। गांव की 2-3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी गांव के सबसे बड़ी समस्या तो पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है और पेयजल दूषित हो चुका है और शमशान घाट नहीं है गांव के अंदर। और गांव में जो है पानी की टंकी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी गाँव में दूषित हो जाए, पेयजल सही व्यवस्था हो सके। और शौचालय की भी कमी है, अभी शौचालय भी कम है थोड़े, 200-400 तो बन चुके हैं, बाकी जो है 150 शौचालय और भी कमी है। और गांव में कच्चे रास्ते भी हैं, जो हमारे कुछ खड़लिया गांव में जो है एक आबादी क्षेत्र लगता है सिंभावली मिल, उस पर जो है रोज नए रास्ते बनते हैं, जिसके कारण जो है 20-30 रास्ते कच्चे हैं वहाँ पर। और उसके लिए पैसे की विशेष ज़्यादा जरूरत है, थोड़े पैसे जो है ज़्यादा व्यवस्था करी जाए पैसे की, भराव की। और वहाँ मिट्टी भराव भी है, मिट्टी भराव इतना है 5 फुट भराव है कम से कम, जो हाँ मिट्टी की समस्या रहती है। खनन पर रोक है, मिट्टी एक भी कोई बुग्गी लाने नहीं देता, पुलिस वाले तंग करते हैं और परमिशन मिलती नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव के अंदर। और बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।